अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखें, जहां भी आपको कोई मसला बनता है, आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो साउंड पढ़ेंगे वो साउंड बनेगी जी और एन ए को, यानी कि ये जी और एन ए, ये दो अल्फ़ाबेट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो जो साउंड बनेगी वो बनेगी ने, ठीक है, ने ने, ठीक है। तो जी और एन ए को जब हम आपस में मिलाएंगे, इन दो अल्फ़ाबेट्स को, तो जो साउंड बनेगी या जो आवाज़ निकलेगी वो आवाज़ होगी नी की, नी की, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर आपको आसानी से क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके आगे जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने ये वर्ड लिखा हुआ है, इनको पहले अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग हम पढ़ लेते हैं। बी आ जी एन ए ओ, ठीक है, ये वर्ड बनता है बार्नियो, ठीक है, बार्नियो। मैंने आपको बताया था कि जी और एन ए को, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो जो हमारे पास साउंड आएंगी वो नी की आएगी, ठीक है। तो ये जी और एन ए यहाँ पर इकट्ठे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये साउंड दे रहा है बार्नियो, ठीक है, ये नी की साउंड दे रहा है। और जब नी के साथ हम ओ लगा देंगे तो ये नियो बन जाएगा, ठीक है, नी के साथ ओ ऐड करेंगे ये नियो बन जाएगा। ये पहले दो वर्ड है बा, तो बा नियो, ठीक है, बा नियो। उम्मीद करता हूँ कि क्लेरिफाई हो रहा होगा आपको आसानी से, ये वर्ड बन जाएगा बानियो, और बानियो कहते हैं बाथरूम को। इसके नीचे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी वो है नियोमो, ठीक है, नियोमो कहते हैं बोने को, उर्दू में बोने को जो है ना नियोमो कहते हैं। और नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कस्तानिये, कस्तानिये। अभी आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, मुझे इसका पता नहीं है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये एक इटालियन में एक कोई है, वुड का कोई बना होता है, आई थिंक अबाउट फूल्स कुछ इस तरह है, पता नहीं ये खाते भी या नो कि क्या, पर आई डोंट नो कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये वर्ड है कस्तानिये। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है लवानिया, लवानिया कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, लवानिया, ठीक है, ये वर्ड है लवानिया। अब इसमें भी जी और एन ए आया हुआ है, तो ये जी एन ए जो साउंड देगा वो नी की देगा, और जी एन ए आ आगे लिखा हुआ है तो ये निया, तो ये वर्ड बन जाएगा लवानिया। उसके बाद है लजानिया, लजानिया इनकी एक क्या कहेंगे ट्रेडिशनल जो है इनका जो है फूड है, इनकी रेसिपी है कोई, ये इसको मतलब इनका ट्रेडिशनल कुछ खाने की चीज़ है, सो उसको ये लजानिया बोलते हैं। तो उसके आगे जो है सिन्योरा, सिन्योरा कहते हैं मोहतरमा को, जिस तरह हम उर्दू में मोहतरमा कहते हैं या मैडम कहते हैं, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं किसी भी औरत को, तो ये यहाँ पर सिन्योरा बोलते हैं। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है स्पानिया, स्पानिया कहते हैं स्पेन को, और ये ऊपर जो आपको मैप नज़र आ रहा है कि स्पेन क्या, और उसके नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया स्पानिया। अगली एग्जांपल है जी पोनी, पोनी कहते हैं मुक्के को, ये दो मुक्के बने भी हुए हैं, ठीक है, ये पोनी, पोनी कहते हैं मुक्के को। जो लास्ट एग्जांपल है वो है रानी, तो रानी कहते हैं मकड़ी को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।